औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। जुनूबी हिंदुस्तान में एक मैसूर एक तवारीखी शहर है। जुनूबी हिंदुस्तान में मैसूर सह शहर आज से तकरीबन 250 साल पहले इस इलाके में हैदर नाम का एक सिपाही था। आज ब्रो 250 वरी अत इलाकस में हैदर नामक एक सिपाही रोजा। वो अपनी हिम्मत और हौसले से तरक्की करता हुआ मैसूर की रियासत का हुक्मरान बन गया। सह उस पनी हिम्मत तो हौसले से तरक्की करा तो भी उस मैसूर का रियासत का हुकूमत करने वो तो बनियाम। 18वीं सदी के आखिरी हिस्से में अंग्रेजों ने मदारस में अपना इकतदार कायम कर लिया। 18वीं सदी हिंदिस अकरी हिस्स मन से कोरक अंग्रेजों आते पानून कब्ज़ कायम। वो चाहते थे उमस इस ऐसा कि एक एक करके जुनूबी रियासतों को जेर कर लिया। एक एक कैसे करो कोई सारी काबस मज और अपनी हुकुमरानी कायम कर ली। इस करो पत हुकूमत कायम। अंग्रेज़ों ने बेस देसी रियासतों की मदद से हैदर अली को कुवत को कुचलना चाहिए। अंग्रेज़ों से कोरक पन्नी रियासत के मदद सत दोप हैदर अली ऐसा चुनौक हरवत हरावन लेकिन उन्होंने कामयाब हासिल नहीं हुई। उमन से गए कामयाब कहीं। हैदर अली भी अंग्रेज़ों की चालों को खूब समझ रहा था। दपा हैदर अली अंग्रेज़न हज चाल व समझा। इसने तन तनह अंग्रेज़ों को पे दर पे शिकस्त दी। दपा एमे से दूत उकन जुन अंग्रेज़न शिकस्त कि अपनी बहादुरी का लोहा मनवा लिया। पनी बहादुरी हूँ कोरुन मतलब ये कायल कोरुन पनी बहादुरी। सन 782 ईस्वी में इसका इंतकाल हो गया। सन 1720 अथ मज से मोदी। इस वक्त इसके बेटे फता अली टीपू की उम्र 20 साल थी। अम सिस नीचेस अम वक्त वह वोर। हैदर ने टीपू की आली तरीन तालीम का इंतजाम किया। हैदरन टीपूस बड़ थज तलीम हूँ इंतजाम कोर्मुत और इसको बेहतरीन जंगी तरबियत दिलाई थी। अम्स तरबियत दिखा बेहतरीन असल जंगस मुतलिक। वो अपने बाप की तरह बाहिमत हौसला मंद और दलीर था। दपान सह उस पनिस मल सद बाहिमत हौसला मंद बे दलीर गो अकल मंद तुस सैरो व तफरीक में भी टीपू को शेर का शिकार बहुत पसंद था। अख घूमना फिरना करा पसंद बे शेर शिकार त बड़ पसंद। वो तलवार से शिकार करता था। सह तलवार सत मारा शिकार करा। शेर को बंदूक से मारना वो बुजदिली समझता था। दपा अगर सू बंदूक सत मारे सह गई बुजदिली। इसके तख्त नशीन होने से पहले का वाक़ा है। दपा यो सो तख्त पे बहन अम ब्रोह वाक़ा कि एक रोज़ टीपू एक फ्रांसी अफसर के साथ शिकार को गया। दपा अक दो टीपू फ्रांस किस अफसर सूमत शिकार करने शेर सामने आया। सह आ ब्रोह तो अफसर ने बंदूक तान ली। अफसरस तुल बंदूक। टीपू ने इसको रोक दिया। टीपन रुको ये उधर शेर तेजी से इन दोनों पर लपका। शेर ऐसा आ तेज शांत छीन इमन पेट वो। टीपू ने बिजली की सी तेज़ी के साथ झटप कर शेर पर वार किया। दपा टीपन ऐसे पर बिजली से तेज लमत यथा पुठ वोट अमिस सहस पेट और तलवार के एक ही वार में शेर की चार टांगों इसके जिसम से अलग कर दें। तलवार से छीन अति दब से छीन अमिस चुनवे जंग चट। फ्रांसी अफसर ये देख कर दंग रह गया। फ्रांसी अफसर ऐसा गो हैरान उचित। इस वाक़ा के बैद से टीपू को शेर मैसूर के नाम से याद किया जाने लगा। अथ वाक़स पत गो टीपू सुल्तान अत मैसूरस मं अम सव सो यह मशहूर। बाकी वसलम।